हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि स्टीम का फॉर्मेशन कैसे होता है और स्टीम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के साथ एक स्पेशल कुछ होता है, उसको हम देखते हैं कि स्पेशल प्रॉपर्टी है वाटर के पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेशन देखते हैं कि स्टीम का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्टीम ओके, स्टीम के फॉर्मेशन को समझने के लिए हम टीवी डायग्राम कंसीडर करते हैं। टीवी डायग्राम का मतलब टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम ओके, और यहां पर हम लेंगे एग्जांपल वाटर का। वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में हमने आइस क्यूब रख दिए ओके, बर्फ के टुकड़े कुछ रख दिए हमने, आइस क्यूब, क्लियर। इस आइस क्यूब का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मान के चलिए -20 डिग्री है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका, इस आइस क्यूब का ओके। और इसको मैंने कंडीशन क्या बोल दी, कंडीशन ए। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम हम देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यहां पर। और उसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा और ये -20 है, ये कितना है -20। यहां पर हम क्या बना रहे हैं, वॉल्यूम ओके, समझते जाइएगा। सबसे पहले हम स्टेट ए बनाते हैं कि स्टेट ए कहाँ है। ये स्टेट है, मान के चलिए ये पर्टिकुलर पॉइंट है। इस पॉइंट पर इसका टेम्परेचर -20 है और इसका कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उसको मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट ए, क्लियर। अब हमने क्या किया, इसमें हीट सप्लाई की। इसमें हमने क्या किया, हीट सप्लाई की। जैसे हमने हीट सप्लाई की, वाटर धीरे, जो आइस है, जो बर्फ के टुकड़े हैं, धीरे धीरे हीट को गेन करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में ओके, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही इसका, जिसमें हम हीट सप्लाई करेंगे, -20 से टेम्परेचर रिड्यूस होगा, ड्रॉप होगा टेम्परेचर, और क्या होगा इसका मतलब, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। -20 से -10 होगा, फिर -5 होगा, फिर 0 आएगा। जैसे ही ये 0 पर आएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की एक बर्फ मिलेगी। क्या मिलेगी, बर्फ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में हीट को हम सप्लाई करते रहेंगे। ये जो आइस है इसका टेम्परेचर मान के चलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस है, इसमें अगर हमने और हीट सप्लाई करी है, तो ये आइस अगेन किसमें बदल जाएगी, ये किसमें बदल जाएगी, वाटर में बदल जाएगी। लेकिन इस वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, -20 से हमने -20 के आइस को हमने लिया, उसमें हमने हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई की, धीरे धीरे बर्फ ने हीट को गेन किया, उनका टेम्परेचर बढ़ा। एक पॉइंट ऐसा आया कि उसका टेम्परेचर कितना आ गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी भी स्टेट क्या है, स्टेट इसकी सॉलिड ही है, अभी भी ये सॉलिड स्थिति में ही है ओके, आइस ही एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर हमने और हीट ट्रांसफर की, इसमें और हीट सप्लाई करी, तो धीरे धीरे क्या होगा, फेज चेंज होगा। यहां पर क्या होगा, फेज में चेंज आएगा, फेज चेंज होगा। जब भी फेज चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ मिलेगा और आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड की ही क्या मिलेगी, आपको वाटर मिलेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही बर्फ मिलेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, हीट को देना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक कंडीशन ऐसी आएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, बी पॉइंट। इस बी पॉइंट पर क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, इस बी पॉइंट पर आइस, आइस मिलेगा आपको इस बी पॉइंट पर ओके। आपने और हीट सप्लाई करी तो आपको एक नया पॉइंट मिलेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट सी। अब पॉइंट बी और सी में देखिए क्या हो रहा है,
बर्फ किस में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही बना हुआ है क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। ओके, तो बी से हम कहां पर आ गए, बी से हम आ गए अब पॉइंट सी पर। बी से अगर हम आ गए कहां पर, सी पर। ओके, बी से सी। अब आप देखिए ध्यान से बात कि बी पर जो वॉल्यूम है और सी का जो वॉल्यूम है वो क्या है, अलग अलग है। बी का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या है, कम है। उसके बाद जैसे हमने और हीट सप्लाई करी, सी पर वॉल्यूम क्या हो गया, और कम हो गया। ओके, और लेकिन टेम्परेचर क्या बना हुआ है, कॉन्स्टेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, आप देख रहे हैं कि जब बर्फ जो है लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट होता है, बर्फ जब वाटर में कन्वर्ट होता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाता है, घट जाता है। वॉल्यूम घट जाता है क्यों, क्योंकि बर्फ क्या होती है, हल्की होती है पानी से। बर्फ जो होती है पानी के ऊपर तैरती है। ओके, बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। ओके, बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो वाटर के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। आपने हीट सप्लाई की, वाटर किसमें कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, तो वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। पहले वॉल्यूम बढ़ रहा था, अब वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा, तो वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आएगी। ओके, अब हमने हीट सप्लाई करी, पॉइंट सी मिल गया आपको। अब पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी में पूरा लिक्विड है। पॉइंट सी में क्या है, लिक्विड है, और इस लिक्विड का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट सी में आपका पूरा वाटर है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसमें हमने और हीट सप्लाई करी। जब हमने और हीट सप्लाई की तो हमने एक पैटर्न नोटिस किया कि वॉल्यूम अभी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वॉल्यूम अभी भी कम होता जाएगा। वॉल्यूम कहां तक कम होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वॉल्यूम कम होता जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम मिलती है। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होता जाएगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 kg/m³। ओके, पॉइंट सी से हम अगर हम आ गए पॉइंट डी पर, अभी भी वॉल्यूम कम होता जा रहा है। पॉइंट सी से कहां गए, पॉइंट डी। ओके, पॉइंट डी पर यहां पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर है उसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब हमने इसमें फिर से हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया, अब टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर अब बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, अब बढ़ना शुरू होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मान के चलिए टेम्परेचर कितना पर आ गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर आ गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ता गया, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो जाएगा, 100 डिग्री। ओके, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको वाटर मिल रहा है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में देखा था। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर मिल रहा है, आपने कंटिन्यू हीट सप्लाई करी तो टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट बना रहेगा, लेकिन अब फेस चेंज होना स्टार्ट होगा। वाटर से किसमें कन्वर्ट होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। ओके, तो यहां से फेस चेंज अगेन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर क्या बना रहेगा, कॉन्स्टेंट। ये पॉइंट ई है। ओके, पॉइंट ई से कहां आ गए हम, एफ। पॉइंट ई से हम एफ आ गए। यहां पर क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, फेस चेंज। इस फेस चेंज में वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर या लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। ओके, ये फेस चेंज प्रोसेस है। क्या है ये, फेस चेंज प्रोसेस। आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको जो वाटर मिला है, आपने हीट सप्लाई करी तो आपको क्या मिल जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की ही आपको क्या मिल जाएगी, स्टीम। अब ये कंटेनर है आपका, इस कंटेनर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड की आपके पास क्या है, स्टीम है। आपने हीट सप्लाई कंटिन्यू रखा, हीट सप्लाई कंटिन्यू रखने से क्या हुआ, स्टीम सुपर हीट हो गई। ओके, स्टीम सुपर हीट हो गई और स्टीम का टेम्परेचर बढ़ने लगा, स्टीम का टेम्परेचर राइज हो गया। ओके, तो आप देखिए अब फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। ये आपकी स्टेट क्या है, एफ जी बोल दीजिए इसको, ये सुपर हीटेड स्टीम है। ये क्या है, सुपर हीटेड स्टीम। क्लियर, यहां पर देखिए, यहां भी फेस चेंज हुआ था,
ये जो सी से बी है यहाँ पर भी एक फेज चेंज हुआ है। ये फेज चेंज क्या है, सी से बी या बी से सी कौन सा फेज चेंज है, यहाँ पर जो सॉलिड है, जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ए से बी में देखिए, अगर मैं स्टेट बाय स्टेट बात करूं, ए से बी प्रोसेस, ए टू बी, ए टू बी में क्या हुआ, ए टू बी हीटिंग हुई, हीटिंग प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ा, ओके, और वॉल्यूम भी क्या हुआ, बढ़ा, ओके। प्रोसेस बी टू सी में क्या हुआ, प्रोसेस बी टू सी में टेम्परेचर क्या बना रहा, कॉन्स्टेंट, ओके, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बना रहा और वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। प्रोसेस सी टू डी, प्रोसेस सी टू डी में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ, कहां पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ, ओके। नेक्स्ट प्रोसेस डी टू ई, प्रोसेस डी टू ई में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और वॉल्यूम भी क्या हुआ, बढ़ा। प्रोसेस ई टू एफ, प्रोसेस ई टू एफ में क्या हुआ, प्रोसेस ई टू एफ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहा और वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ने लगा, ओके। प्रोसेस एफ टू जी, प्रोसेस एफ टू जी में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और वॉल्यूम भी क्या हुआ, बढ़ता गया, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है ये आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है, इस टेम्परेचर पर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और ये कहां पर मैक्सिमम मतलब कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो शियर स्ट्रेस आती है वो क्या आती है, जीरो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी वाटर की क्या हो जाती है, मैक्सिमम, ओके। डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। बल्क मॉडुलस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती है, जीरो। और सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, जीरो। जो वाटर की सीपी और सीवी की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये ऑलरेडी आपको मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया है कि लिक्विड के केस में जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो क्या होती है, सेम होती है। तो ये 5 से 6 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ओके। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी जीरो हो जाती है, शियर स्ट्रेस जीरो हो जाती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, बल्क मॉडुलस इंफिनिटी हो जाता है, कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो जाती है, ओके, सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है, और सीपी और सीवी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो आप देखिए कि ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है, -20 -30, इस टेम्परेचर की अगर हम बात करें, किसी लेक में इतना टेम्परेचर है, लेक में या नदी में या रिवर में अगर टेम्परेचर इतना बना हुआ है, तो ऊपर की सतह पर क्या होगा, बर्फ तो जमी होगी, लेकिन नीचे की सतह अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या बना रहेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी जो हमारे मरीन लाइफ है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ओके। फिश होती है वो जिंदा रहती है, क्यों, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना हुआ है। ऊपर की सतह पे तो बर्फ जम जाएगी, लेकिन जैसे ही आप नीचे जाएंगे, उस सरफेस से नीचे जाएंगे, वहां पर टेम्परेचर कितना बना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और बर्फ जो होती है वो पानी से क्या होती है, हल्की होती है। ये भी एग्जांपल कई कई जगह पूछे जाते हैं कि बर्फ रखा हुआ है और एक ग्लास में एक बर्फ है, बर्फ के पिघल जाने के बाद वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, ओके। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ओके। तो ये डायग्राम अभी हमने इसे वाटर के लिए बनाया है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम बना है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। अगर मैं प्रेशर की वैल्यू को चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे, एक जनरलाइज फॉर्म में हम देखेंगे टेम्परेचर वर्सेज वॉल्यूम डायग्राम एट ऑल प्रेशर, ओके, एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर पे क्या चेंजेस आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में जब हम टीवी डायग्राम पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे, ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।